दिवेश शर्मा फ्रॉम एस एन हाई स्कूल. आज का टॉपिक क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी. भाई देखो, हमारे घरों से हमने जगह जगह देखा है नालियों में बहता हुआ, ड्रेन्स में बहता हुआ, हमारे घर के पाइप से भी निकलता है वेस्ट वाटर. यू नो दैट वेस्ट वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या? रैदर, रिच इन रैदर, बहुत सारा लैदर मिला हुआ, कुछ ऑयली ब्लैक ब्राउन कलर का वाटर निकलता है ड्रेन से, नालियों से बहता हुआ, सिंक से निकलता है, शॉवर से, टॉयलेट से, लॉन्ड्री से, एंड फ्रॉम इट इज़ डर्टी. वो कहलाता है गंदा पानी कहलाता है, डर्टी वाटर. दिस इज कॉल्ड वेस्ट वाटर. वेस्ट वाटर होता है कि हमारी डेली की कुछ प्रोसेस है जिनमें हमें वाटर वेस्ट तो होता ही है. क्या है हमारी लाइफ लाइन, कैसे है? क्योंकि वाटर के बिना, भाई देखो, हमारी एक बेसिक नीड है, वाटर की हमारी बेसिक नीड है जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते. हम खाना खाए बिना थोड़े टाइम अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, पर बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकते. चलिए, क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल, लेकिन सबके लिए अवेलेबल नहीं होता. मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं जिन्हें पानी लेने के लिए बहुत दूर दूर जगह जाना पड़ता है, जैसे विलेज के पीपल्स हैं. हमारे क्या है, म्यूनसिपल कुछ पार्टीज हैं जो कि इस सिस्टम को कैरी करती हैं, अच्छे पानी को घर तक भेजती है, गंदे पानी को ड्रेन करती है, निकालती हैं, और एक वाटर को ट्रीट करने के लिए पॉसिबल प्लेसेस पे पहुंचाती हैं, जिसे कहते हैं WWTP वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसके बारे में पढ़ेंगे. क्लीन अप वाटर क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर पॉल्यूटेंट कैसे कहते हैं, वो सब्सटेंस जो वाटर को गंदा करते हैं, दिस इज पॉल्यूटेंट को अलग करते हैं, एंटर अ वाटर बॉडी एंड रिड्यूस, उसके रिमूव करने के बाद उसे किसी भी वाटर बॉडी जैसे किसी भी नदी में या किसी नाले में से रीयूज के लिए दोबारा भेज दिया जाता है. चलिए, इसे कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट. इसका नाम है दूसरा सीवेज ट्रीटमेंट के नाम से भी जाना जाता है. पहले तो देखते हैं सीवेज होता क्या है. क्या है सीवेज? सीवेज है वेस्ट वाटर. वो वेस्ट वाटर जो हमारे घरों से, इंडस्ट्रीज से जो निकलने वाला डर्टी वाटर है, दिस इज़ कॉल्ड सीवेज. ओके, जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज, अशुद्धियाँ घुली रहती हैं, राइट, जिसमें कि बहुत सारी मटेरियल. देखो, इसमें एक चार्ट भी दिया हुआ है, क्या होता है इसमें, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे कि ह्यूमन फेसेस, एनिमल का वेस्ट, ऑयल होता है, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, यू नो पेस्टिसाइड किसे कहते हैं, जो कि फील्ड्स में एक फार्मर के थ्रू लगाए जाते हैं पेस्ट को ख़त्म करने के लिए, हर्बिसाइड हैं, फ्रूट हैं, वेजिटेबल के वेस्टेज हैं, पिल्स हैं, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, नाइट्रेट, फॉस्फेट, कुछ मेटल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, देन कुछ बैक्टीरिया उस पर जो वर्क करते हैं, देन उस जैसे कि प्रोटोजोआ, कुछ डिजीज के जर्म्स होते हैं, राइट. चलिए, वाटर फ्रेशन अप एंड इवेंटफुल जर्नी. वाटर का फ्रेशन अप होना क्या है? इवेंटफुल जर्नी है. कैसे? जैसे देखो, इन हमारे घरों में, बिल्डिंग में जनरली एक सेट तो पाइप का आता है क्लीन वाटर का, और दूसरा सेट आता है पाइप का जो कि वेस्ट वाटर को लेकर जाता है. इमेजिन दैट वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड, हम इसे ग्राउंड में देख सकते हैं, वी वुड सी ए नेटवर्क ऑफ बिग और छोटे और बड़े पाइप पड़े जाते हैं ना ग्राउंड्स में, ब्यूराइड रहते, दबे रहते, इन्हें कहते हैं सीवर्स, और उससे एक बनता है सीवरेज पाइपलाइन का जो पूरा सिस्टम है, जो किसी भी वाटर बॉडी से हमारे घर तक आ रहा है, और हम घर से वेस्ट वाटर को लेके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक जा रहा है, पूरा जो पाइप सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड सीवरेज. इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरी सी वेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द बींग प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, जो डिस्पोजल कर लें ट्रीटमेंट प्लांट तक. ओके, चलिए, ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड प्लांट. इसे मैं पहले एक छोटे स्केल पे करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया. हमने क्या किया, ग्लास का जार लिया, ट्रांसपेरेंट, 3/4 फुल ऑफ वाटर से भर लिया, उसमें कुछ ऑर्गेनिक गंदी डर्टी मैटर्स मिलाए, जैसे कुछ ग्रास के पीसेस, ऑरेंज के पील्स, छिलके होते हैं ना, और थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दिया, कुछ इंक की, कुछ कलर्स की कुछ बूंदें डाल दी, द कैप द जार, जार को बंद किया, शेक इट वेल एंड लेट मिक्सचर स्टैंड टू सन फॉर 2 डेज. अच्छे से शेक किया, शेक में हिलाया, और उसके बाद उसको 2 दिन के लिए सन की लाइट में रख दिया. 2 दिन के बाद शेक द मिक्सचर अगेन, दोबारा मिक्सचर को शेक किया, और उसका थोड़ा सा सैंपल एक टेस्ट ट्यूब में अलग से ले लिया, उस पर लिखा बिफोर ट्रीटमेंट सैंपल 1. अब उसके बाद उस मिक्सचर में, किस में, टेस्ट ट्यूब में जो रखा है उसे तो हम इसी तरह से उठा के रख देंगे साइड में, और उस पर सैंपल 1 लिख देंगे. फिर उसके बाद जो मिक्सचर हमारा ग्लास जार में बचा, उसमें एरिएटर से हवा पास करते हैं ना एक्वेरियम में, जो बबल्स उठते हैं उसके थ्रू उसमें एयर पास आउट की गई पूरी नाइट तक, या फिर उसको लगातार हिलाया गया, स्टिरर, स्टिरर मतलब लगातार, जैसे हम चम्मच से नहीं, मिल्क में
शुगर को स्टिर करते हैं, घोलते हैं। इस टाइप से स्टिरर यूज़ किया गया काफ़ी टाइम तक। तो नेक्स्ट डे जब एरिएशन कंप्लीट हुआ तो उसमें से थोड़ा सा पार्ट निकाल के दूसरी टेस्ट ट्यूब में रखा और उसका नाम दिया आफ्टर एरिएशन सैंपल टू। चलिए फिल्टर पेपर लेते हैं, जैसे टिश्यू पेपर नहीं, इस तरह से फिल्टर पेपर आता है, बना के कोन में उसे रखते हैं, फिर सारा का सारा पानी उसमें पोर कर देते हैं, डाल देते हैं, और जो कि फनल में से या फिर फिल्टर पेपर से छन के टेस्ट ट्यूब में आ जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, फिर फिल्टर पेपर में प्लेस लेयर्स ऑफ सैंड, फाइन ग्रेवल, फाइनली मीडियम ग्रेवल, मतलब सबको जो गंदगी है, जो सॉलिड पार्ट है वो सारे छन जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। अब बचे हुए पार्ट को, लिक्विड को एक बीकर में जो आ गया उसमें से एक छोटा सा सैंपल लिया, तीसरी टेस्ट ट्यूब में रखा, नाम दिया फिल्टर्ड सैंपल थ्री। नाउ नेम फिल्टर्ड सैंपल थ्री। उसके बाद उसका थोड़ा सैंपल फिल्टर्ड का एक फोर्थ टेस्ट ट्यूब में रख दिया, फोर्थ टेस्ट ट्यूब एड अ स्मॉल। फिर इसमें क्लोरीन टैबलेट डाली, और क्लोरीन टैबलेट डालने के बाद वाटर क्या हुआ, क्लियर हो गया, मिक्स वेल अंटिल द वाटर इज क्लियर, और उसमें से थोड़ा सा पार्ट निकाला सैंपल फोर, देन क्लोरीनेटेड। एब्जॉर्ब ध्यान से सैंपल को, सारे टेस्ट ट्यूब में सैंपल्स को देखते हैं, डू नॉट टेस्ट, लेकिन टेस्ट नहीं करना, जस्ट स्मेल दम, जस्ट स्मेल करते हैं। आपने क्या ऑब्जर्व किया एरिएशन के बाद, क्या चेंज आया, क्या रिमूव आया, तो उसमें क्या धीरे धीरे करके लास्ट पॉइंट तक हम वाटर को बिल्कुल क्लीन करते हैं, एक एक करके फिर सारी इम्प्योरिटीज़ को हटाते चले जाते हैं। इसी बेस पे हम ये बड़े स्केल पे किया जाता है यही वर्क बाय द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, शॉर्ट फॉर्म WWTP। सबसे पहले क्या करते हैं, वेस्ट वाटर जो घरों से इंडस्ट्रीज से निकलता है, बहुत सारे इसमें वेस्टेज होते हैं, बहुत सारे कंटामिनेंट्स हैं, वेस्टेज हैं, सबसे पहले उसे बार स्क्रीन में पास आउट किया जाता है। देखिए इस टाइप से डायग्राम भी आपको दिखाया हुआ है, इसमें क्या बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जैसे रैग्स हैं, स्टील स्टिक्स हैं, कैंस, प्लास्टिक पैकेट्स अलग रिमूव कर लिए जाते हैं, फिर उस वाटर को ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में भेजा जाता है, जहाँ की पानी को तेज़ी के साथ गुजारा जाता है, जिससे सैंड, ग्रिट एंड पेबल्स सेटल डाउन, धीरे धीरे नीचे सेटल होते चले जाते हैं। सॉरी इन इनकमिंग वाटर को धीरे धीरे डिक्रीज फॉर्म में, एकदम तेज़ी से आया तो धीरे धीरे उसको वहाँ से गुजारा जाता है, ताकि धीरे धीरे सैंड, ग्रिट एंड पेबल्स, सैंड रेत है, छोटे कंकड़ हैं, पेबल्स हैं, वो धीरे सेटल डाउन होते हैं और साफ पानी हटा दिया जाता है। देन अब इस वाटर को सेटल इकट्ठा किया जाता है एक बड़े से टैंक में, स्लोप टूवर्ड, जो नीचे से क्या है, स्लोप्ड है, गहराई में, मिडिल से गहराई स्लोप्ड है, गहरा है। देन उसमें क्या होता है, फिर थोड़े टाइम के लिए उसे सेटल किया जाता है, तो उसमें सॉलिड, बहुत सॉलिड फीसेज हैं, वो क्या बॉटम में इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे आपने ऐसे पानी में कभी आप सैंड को घोलिए, सैंड को घोल के थोड़े टाइम के लिए रखे तो सैंड क्या धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है, मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है, इसलिए वाटर को सेटल किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो धीरे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे बॉटम में इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें स्क्रैपर की सहायता से अलग कर लिया जाता है। इस पार्ट को जिसको अलग किया गया उसे कहते हैं स्लज, और एक स्कीमर के द्वारा फ्लोटेबल जो सॉलिड और ऑयल एंड ग्रीस है जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, स्कीमर से उसको अलग कर लिया जाता है। अब हमारे पास एक क्लेरिफाइड वाटर है, राइट। अब इस क्लेरिफाइड वाटर को एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो हेल्प करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, जो पानी के अंदर जो ह्यूमन वेस्ट है उस पर बैक्टीरिया वर्क करते हैं, फूड पे, सोप, अदर अनवांटेड मैटर पे, बचे हुए पार्ट पे करते हैं, और क्लेरिफाइड वाटर को क्लियर करते हैं। कुछ आवर्स के बाद सस्पेंडेड माइक्रोब सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक, थोड़े टाइम के चले वर्क करते हैं, और धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे टैंक में नीचे बैठते चले जाते हैं। अब जो आपके पास जो स्लज है जो आपने निकाला, इसमें 97% वाटर होता है, जिसे कि रिमूव करा जाता है सैंड ड्राइंग बैड्स और मशीन्स के द्वारा अलग किया जाता है। फिर उसके बाद ड्राइड स्लज को मैन्यूर, रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स के में सॉइल में यूज़ किया जाता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स के रूप में सॉइल को वो दे सकते हैं। आप जैसे सुना भी है ना आपने कि फार्मर्स क्या करते हैं, काउडंग इसकी खाद बनाकर, मैन्यूर बनाकर अपने फील्ड्स में डालते हैं। अब ट्रीटेड वाटर जो बचा स्लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक, उसमें बहुत कम ऑर्गेनिक मटेरियल है और कुछ सस्पेंडेड है, घुला हुआ मटेरियल है, इट इज़ डिस्चार्ज इनटू सी में डाल दिया जाता है, रिवर या ग्राउंड में डाला जाता है, नेचर उसके अपने आप क्लीन अप कर लेती है। समटाइम इट मे बी नेसेसरी टू डिसइंफेक्ट वाटर विद केमिकल, कभी कभी कुछ ज़रूरी हो जाता है तो इस वाटर को कुछ केमिकल से
डिसइंफेक्ट किया जाता है, जैसे कि उसमें या तो क्लोरीन टैबलेट मिला दिया जाती है, ओजोन लेयर में से उसे पास आउट कराया जाता है, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इफ़ इन इंटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर है तो उसके अलावा क्लीन करके फिर से किसी भी वाटर बॉडीज़ में डाल दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।